आपने मुझे बुलाया पिताजी? तुम अपने कमरे में नहीं थी, कहाँ चली गई थी बिना बताए? उम्मीद करता हूँ कल दिन भर धूप में भूखी प्यासी खड़ी रहकर थोड़ी सी अकल तो आई गई होगी तुम्हें। मैंने जो कल आपके साथ बर्ताव किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अच्छा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाहिर सी बात है, उस लड़के की प्रार्थना करने से तुम्हारी आंखों की रोशनी तो वापस लौटने वाली है नहीं। वैसे भी कल के बाद वो लड़का हमेशा हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर दूर चला जाएगा। उसके बाद तुम्हें अपनी सारी जिंदगी मेरी दया के अधीन ही रहना पड़ेगा, समझे? जी पिताजी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही समय पर सैर से वापस आ गई। बस ईश्वर इतनी कृपा करे कि यीशु को गांव छोड़कर ना जाना पड़े बेटा। नीमा को लगता है कि उसकी आंखों की रोशनी कभी नहीं लौटेगी। आप मुझसे यही बात छुपा रही है ना? तुम्हें ये बात पता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि नीमा को परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है माँ कि आज शाम तक नीमा जरूर परमपिता परमेश्वर पर भरोसा करेगी। और अगर परमपिता की कृपा हुई तो नीमा की आंखों की रोशनी जरूर लौटेगी। मुझे पूरा विश्वास है माँ। मुझे भी पूरा विश्वास है ईश्वर पर भी और तुम्हारे विश्वास पर भी। कुछ देर पहले हम शहर से लौटे हैं, लेकिन मुझे फिर से जाना है अकेले। ठीक है, जाओ। अचानक खुद को असहाय महसूस कर रही हूँ, क्या ये भविष्य का संकेत है? जी करता है अपनी गोद में उठाकर यीशु को अग्नि पर चल पड़ूं, खुद जल जाऊं लेकिन उस पर आंच भी ना आने दूं। लेकिन मैं जानती हूं ईश्वर की संतान है यीशु, संसार को साथ लेकर सबको हर तपिश से बचा लेगा। हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान उनके साथ रहे। ईश्वर ने हमें यीशु के माता पिता के रूप में चुना है। हमारी यात्रा अन्य माता पिताओं से अलग ही होने वाली है। मैं जानती हूं कि एक दिन यीशु हमें छोड़कर दूर चला जाएगा, लेकिन अभी वो छोटा है,
इसीलिए डर जाती हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आज अकेले शहर पर मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। पिछले 2 दिनों में जो हुआ वो तो आप जानते ही है। 2 दिन है तुम्हारे पास, या तो मेरी बेटी नीमा की आंखों की रोशनी वापस लाओ या इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओ। विश्वास है कि आज परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से इन सभी फूलों के रंग अपनी आंखों से देख पाओगी। आज रफी गुरु जी की चुनौती का आखिरी दिन है, इसलिए माँ, पिताजी, चाचा चाची, नीमा की माँ और नीमा सब लोग बहुत चिंतित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से इन सभी फूलों के रंग अपनी आंखों से देख पाओगी। मैं जानती हूँ यीशु, ईश्वर के प्रति तुम्हारी आस्था अटूट है, पर तुम बहुत भोले और मासूम हो। कैसे समझाऊं तुम्हें कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो सकता जिससे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। कैसे समझाऊं तुम्हें? मुझे यीशु से मिलना ही होगा, मुझे उससे मिलना होगा, उसे समझाना होगा कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। मुझे यीशु से मिलना है। माँ, माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे यीशु से मिलने जाना है। लेकिन तुम्हारे पिताजी? माँ, इससे पहले कि आज शाम को पिताजी उसे नहीं, नहीं माँ, बेटा यीशु से मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, अभी तुम्हारे पिताजी भक्तों के साथ व्यस्त हैं, इससे पहले सभा खत्म हो हमें लौटकर आ जाना होगा। ठीक है, चलो आओ, चलो जल्दी चलो। माँ कहती है कि सही मायने में न्याय करने वाले तो आप ही है। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मैंने आप पर विश्वास करके सीखा है, और आपके प्रति मैं यही विश्वास नीमा के अंदर जगाना चाहता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे कोई संकेत दीजिए जिससे मैं ये जान सकूं कि मैं सही रास्ते पर हूँ। दिनों के लिए इंतजार क्यों करना? हम इसे अभी तोड़ देते हैं, तितली अभी बाहर आ जाएगी। नहीं माँ, अभी तोड़ेंगे तो तितली मर जाएगी। समझ गया, जैसे तितली का सही समय पर अपनी कोच से बाहर निकलना एक प्रक्रिया है, ठीक वैसे ही सच्चे मन से की गई प्रार्थना परमपिता परमेश्वर हमेशा सुनते हैं और सही समय आने पर उसका फल भी देते हैं। तुम्हारे ये सुंदर पंख उड़ने को तैयार है, तुम उड़ सकती हो। जाओ अपने नए जीवन की शुरुआत करो। मैं सही रास्ते पर हूँ, ये संकेत देने के लिए आभार परमपिता। मैं समझ गया कि इस तितली की तरह
आपके आशीर्वाद से नीमा भी अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकती है। ऐसे चोरों की तरह तुम दोनों छुप छुप कर कहाँ जा रही हो? जी बस वो वो क्या? मैं माँ को साथ लेकर यीशु से मिलने जा रही हूँ पिताजी। मूर्ख लड़की, कल दिन भर धूप में भूखी प्यासी खड़ी रहने के बाद भी कल ठिकाने नहीं आई तुम्हारी? मैं तो आपके बारे में सोचकर ही यीशु से मिलने जा रही थी पिताजी। जी वो मैं चुप रहो। इस वक्त तुम्हारी बेटी जो बोल रही है सिर्फ वही सुनना चाहता हूँ मैं। बोलो। सब कुछ वैसे ही तो हो रहा जैसा ईश्वर के दूत के रूप में आपने तय किया था। आज शाम को यीशु शर्त हार जाएगा क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी तो वापस आएगी नहीं, फिर उसे ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरा यीशु से मिलना बहुत जरूरी है ताकि फिर वो गांव वालों के सामने ये ना कह सके कि आपने मुझे घर के अंदर बंद कर दिया था इसीलिए वो मुझसे मिल नहीं पाया। और ईश्वर से मेरी आंखों की रोशनी लौटाने के लिए प्रार्थना नहीं कर सका। पर उसके गांव छोड़ने के बाद तो मुझे हमेशा के लिए घर में ही रहना है ना पिताजी। जब ऐसी समझदारी की बातें करती हो तो लगता है कि मेरा कुछ असर पड़ा है तुम पर। ठीक है, मिला उस एक दिन के मेहमान यीशु से। तुमने अपने पिताजी से झूठ कहा ना? माँ मुझे यीशु के पास ले चलिए। चलो बेटा आओ। मैरी आ जाएगा यीशु, चिंता मत करो। आज सभी बच्चों का उपवास है, सिर्फ एक फल मिलेगा खाने में। चाची मुझे भी उपवास करना होगा। नहीं बेटा यीशु, तुम तो बहुत खास बच्चे हो, ईश्वर की कृपा है तुम पर। अब आगे तो मैं और मेरे बच्चे हैं, इसीलिए तुम और तुम्हारा मित्र याकूब इसमें से जो चाहे वो खा सकते हो। लेकिन मारिया, तुम बच्चों को उपवास किस खुशी में करवा रही हो? इस खुशी में कि आज मैंने मन्नत मानी है, या शाम चाहे जो भी हो उसके बाद कम से कम मैं और मेरे बच्चे सुकून से जी सके। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपनी माँ के लिए एक दिन का उपवास तो रख ही सकते हो। अरे हाँ, लेकिन तुम लोग तो फल जितने मर्जी हो खा सकते हो, है ना? एक काम करते हैं, तुम सब मेरे साथ बाजार चलो और अपनी पसंद के फल पेट भर के खा लेना, ठीक है? याकूब तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम भी चलो। चलो चलो जल्दी 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 चल। माँ चाची मुझसे बहुत परेशान है ना? नहीं बेटा, कभी कभी बड़े लोग अपनी असली भावनाएं छुपाने के लिए गुस्से का सहारा लेते हैं। अपनी चाची की बातों का बुरा मत मानो। हाँ, आज परमपिता परमेश्वर ने मुझे संकेत दिया कि मैं सही रास्ते पर हूँ। और पता है, मैंने तितली को कोस से बाहर निकलते हुए देखा और उसने
कोष को बिना किसी की मदद लिए खुद तोड़ा। मैं भी नीमा को तैयार करूंगा कि वो अपनी इच्छा से खुद को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दे। फिर देखना, परमपिता परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। यीशु, अच्छा हुआ तुम आ गई नीमा। माँ, आज हमारे साथ नीमा भी खाना खा सकती है। बिल्कुल, क्यों नहीं, आइए ना। बेटा यीशु, अगर हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए रुके तो शायद नीमा के पिताजी। माँ, रुक जाते हैं ना, मैं पिताजी को मना लूंगी। मना मत कीजिए। अच्छा ठीक है, मगर हम लोग जल्दी चले जाएंगे। तुमने अपने पिताजी से झूठ बोला था या तुम यीशु से झूठ बोल रही हो? मैंने किसी से झूठ नहीं बोला माँ, और जो पिताजी को कहा वो इसीलिए कहा क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं यीशु को दिल से अपना दोस्त मानती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मुझे ईश्वर पर भरोसा नहीं है। मेरी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती, नहीं आज और नहीं कभी और। दोस्ती और करुणा के लायक नहीं हूँ यीशु, क्योंकि मेरी वजह से आज पिताजी इस गांव से तुम्हें बाहर निकालने वाले, और मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम अपना अगला भोजन अपनी आंखों से देखकर अपने हाथों से खाओगी नीमा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम हमसे मिलने आई। तुम मुझसे कुछ और कहना चाहते हो यीशु? हाँ, बस इतना कि खुद के प्रति बहुत ईमानदार रहना चाहिए। सच कह देने से दिल हल्का हो जाता है। तुम इतने छोटे हो और सब जान जाते हो। मैं बस इतना कहना चाहती थी, हो सके तो मुझे माफ कर देना यीशु। अब तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़े। सिर्फ दूसरों के व्यवहार और अपने विचारों की पीड़ा भोगी है तुमने, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम परमपिता परमेश्वर के आगे समर्पण करोगी और फिर वो सब संभालेंगे। ईश्वर को नहीं जानती, पर तुम्हारे प्यार और करुणा के आगे मैं समर्पण करती हूँ। कितना काफी नहीं है यीशु? नहीं, इतना करना काफी नहीं है। या तो परमपिता परमेश्वर के आगे समर्पण करो या फिर इस सच को जान लो कि किसी के आगे सर झुकाने का मतलब है परमपिता परमेश्वर के आगे सर झुकाना। सूरज के ढलने की गति इतनी धीमी क्यों लग रही है मुझे? इंतजार नहीं हो पा रहा मुझसे उस पल का जब वो पड़बोला बच्चा
मेरी आंखों से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। नीना, नीमा को तैयार करो जल्दी से। नीना, ज्यादा मातम मनाने की जरूरत नहीं है। मरने नहीं जा रही तुम्हारी बेटी। मरने नहीं, पर हारने तो जा रही है ना। पता नहीं कब ईश्वर मेरी बच्ची की परीक्षा लेना बंद करेंगे और वो इस संसार को अपनी आंखों से देख पाएगी। आज तो बिल्कुल भी नहीं। आज यीशु की हार पक्की है। सवाल मेरी हार या जीत का नहीं है, सवाल नीमा की जिंदगी का है। हे परमपिता परमेश्वर, आपके आशीर्वाद से नीमा को नई जिंदगी मिल सकती है। मेरी मदद कीजिए ताकि मैं नीमा की मदद कर सकूं। रब्बी गुरु जी की, 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 रब्बी गुरु जी की।